हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर। ऑलरेडी क्रिएटेड अ सीरीज। मैंने उस सीरीज क्रिएट किए प्रीवियस वीडियो में। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट सीरीज, अगर आपने पहले देखी है तो वो वाली सीरीज जाके जरूर से देखो, क्योंकि उस सीरीज में इससे कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे नए बार एक बार वापस से देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियसली नहीं थे इस वीडियो पे, रीडायरेक्ट हुए हैं एज अ न्यू स्टूडेंट, और पुराने हैं जो इससे डायरेक्टेड हो रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉच दैट वीडियो एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने अर्ल ऑफ रॉचेस्टर करवाया था, अर्ल ऑफ रॉचेस्टर जॉन विलमॉट, वहां तक आपको देखना है। अब हम जो रीस्टोरेशन एरा पर है, अब हम जॉन ड्राइडन कर रहे हैं। तो जॉन ड्राइडन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। आपको पता है कि यूजीसी नेट में हर बार एक क्वेश्चन फिक्स होता है ड्राइडन के ऊपर, या हर बार से क्वेश्चन आता है, सो डोंट नेग्लेक्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है जॉन ड्राइडन को देखते ही, वो क्वेश्चन है हमारा कि ड्राइडन की वर्क्स क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कैसे है। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा कि ड्राइडन की क्रोनोलॉजिकल वर्क्स बताइए, या फिर कोई भी ऐसा वर्क आ सकता है जिसकी डायरेक्ट पब्लिकेशन डेट, सब टाइटल्स, या फिर डायरेक्ट किसी और क्रोनोलॉजी में ड्राइडन का वर्क एज अ क्रोनोलॉजी आ जाए। देखो, एस्ट्रिया रिडक्स, ये जो वर्क है ये पब्लिक हुआ है 1660 में, एस्ट्रिया रिडक्स। फिर उसके बाद द वाइल्ड गैनेंट है, इसकी जो पब्लिकेशन डेट है 1663। फिर उसके बाद है द रिवाइवल लेडीज, डू नोट दिस इज नेंट, ये क्या है, कॉमेडी है। पब्लिकेशन डेट जो है इसकी वो है 1663। फिर हमारे पास है रिवाइवल लेडीज। अगर आपके पास देखो बुक है, तो बुक में इसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो भी पेंसिल है, पेन है, वहीं पर जो आपके बुक में साइड में ऊपर का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, रॉटलेज हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है, राइटर का नाम, फिर आपके पास ब्लैंक ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद आपके पास लाइंस आती है। तो मैं क्या करती थी ड्यूरिंग माई स्टडी में, उसमें ही क्रोनोलॉजी ऐड कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता है कुछ कुछ राइटर की क्रोनोलॉजी आपको मस्ट करनी ही करनी है, तो उसके साथ में ही वही अटैच कर लो। एंड क्वीन, वो उसकी पब्लिकेशन क्या है, देखो बिल्कुल सीक्वेंस है, 1664, द इंडियन एम्परर, जिसको हम बोलेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेक्सिको बाय स्पेनियर्ड 1665। फिर है द सीक्रेट लव और द मैडन क्वीन 1667, इसका सब टाइटल क्या है, टेम्पेस्ट द एंचेंटेड आईलैंड, ए कॉमेडी। तो 1667 है, ये किससे अडॉप्ट किया गया है, विलियम डेवनेंट ऑफ शेक्सपियर का टेम्पेस्ट प्ले से। अब हम देखेंगे एनेक्स मिराबल, ये जो पोयम है 1667, यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुका है, देखिए। फिर इसके बाद एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पब्लिकेशन 1668। एबेसलम आर्चिटोपल 1681, मैक फ्लेक्नो 1682, मैडल 1682, रिलीजियल लेसी 1682। तो देखो 1682 में कितने सारे वर्क्स हमें देखने को मिल गए। फिर उससे पहले 1681 में हमने वर्क देखे, 1682 में देखो बहुत तीन चार वर्क्स थे। अब जो बुक में हमें जो लाइन मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमें जो मिलती है ड्राइडन की, वो एलेक्जेंडर फीस से ली गई है। द फर्स्ट लाइन इन स्टार्ट होती है, वो है स्मूथ विद द साउंड किंग ग्रूवेन फॉट ऑल हिज बैटल ओवर अगेन। अगर आप लाइन पे फोकस करोगे तो आपको दो तीन चीज कीवर्ड मिलेगी, जैसे कि साउंड, फिर उसके बाद हमें किंग, फिर उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, बैटल। ये सब चीजें क्या है, एज अ कीवर्ड है, और यही कीवर्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये जो लाइंस है वो काफी एलेक्जेंडर फीस से ली गई है ये लाइंस। तो एलेक्जेंडर फीस्ट की जो लाइंस है, ये उसका सब टाइटल क्या है एलेक्जेंडर फीस्ट का, यू कैन सी दिस नोट, सब टाइटल है द म्यूजिक, द पावर ऑफ म्यूजिक। पब्लिकेशन डेट है 1697। तो 82 के बाद में जो वर्क पब्लिश हुआ है वो है एलेक्जेंडर फीस्ट 1697। और ये किस फॉर्म में लिखा गया है, एक ओड की फॉर्म में लिखा गया है, इन द ऑनर ऑफ द सेंट सिसली डे। तो सेंट सिसली डे को मनाने के लिए राइटर ये एलेक्जेंडर फीस लिखते हैं। और एलेक्जेंडर फीस एक्चुअली एक स्टोरी से स्टार्ट होता है, जिसमें एलेक्जेंडर द ग्रेट वो क्या करते हैं, फीस्ट देते हैं अपने ही किंगडम में, अपने किसको डिफीट किया था उन्होंने, अपने ही किंगडम में, उनका कैपिटल क्या है, किंगडम का नाम है
प्रेसिपोलिस, प्रेसिपोलिस में ये फीस देते हैं किसको डिफीट करने के बाद, डेरिसियस को डिफीट करने के बाद। और इनके जैसे कि हमारे अकबर के किंगडम में तानसेन क्या थे, रत्न थे, 7 रत्न में से एक थे, बार्ड थे, यू कैन सी द बार्ड। तो वैसे ही एलेक्जेंडर के बार्ड कौन थे वो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बार्ड टिमोथियस। तो किसने ये गाना गाया है, जो सॉन्ग फीस्ट पे जो मेन थीम है, सॉन्ग जो साउंड सिंगिंग की है, वो किसने की है, टिमोथियस। में सिंगर का नाम पूछ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है कि सिंगर कौन था, तो सिंगर था टिमोथियस। एट द टाइम व्हेन पीपल वर टेकिंग साइड ऑफ विंग एंड टॉरीज, उस जमाने में क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा था, विंग और टॉरी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेट्स को देखने को ज्यादा मिला। इस वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में चेंजेस आए, सोशल डिस्टरबेंस, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, रिलीजियस डिस्टरबेंस हमें देखने को मिला। और सबसे ज्यादा रिलीजियस चेंज हमें ड्राइडन के वर्क से भी देखने को मिला, क्योंकि ड्राइडन ने अपना रिलीजन चेंज किया था और उस रिलीजन को इन्होंने जस्टिफाई किया चेंज, ही चेंज हिज रिलीजन एंड ही बिकम कैथोलिक। तो जब ही इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था, उस वो वर्क हिंद एंड पैंथर में इन्होंने अपने उसमें जस्टिफिकेशन मिलेगी इनको। इट इज सरप्राइजिंग दैट देयर शुड बी क्रिटिसिज्म एंड फ्रिक्शन बिटवीन पार्टी। तो क्या होता था कि दो पार्टीज, जैसे ड्राइडन थे, जॉन ड्राइडन, वो भी किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, जैसे जोनाथन स्विफ्ट टोरीज से बिलोंग करते थे, ड्राइडन भी किसी बिलोंग करते थे। तो इस वजह से क्या होता है, मतभेद। और एक और बात आपको ये याद रखनी है कि जो जॉन ड्राइडन है वो क्या थे, एज द फर्स्ट पोएट लेट्रियट ऑफ इंग्लैंड, तो अपॉइंटेड पोएट लेट्रियट कौन थे, जॉन ड्राइडन थे। तो जॉन ड्राइडन को एज अ फर्स्ट अपॉइंटेड पोएट लेट्रियट, ये याद रखना है आपको। बट अनअपॉइंटेड फर्स्ट पोएट लेट्रियट कौन है, कमेंट डाउन अगर आपको पता है कि अनअपॉइंटेड इनसे भी पहले कौन से ऐसे पोएट लेट्रियट थे जो अपॉइंट नहीं हुए थे, वो कौन थे, उन अगर आप जानते हो तो कमेंट कीजिए। सो द सटायर वॉज द फर्स्ट लार्जली एक्सप्रेस इन द पोएट्री। तो ये जो एज है, किस एज से बिलोंग करता है ड्राइडन, न्यू क्लासिकल, जो न्यू क्लासिकल एज है, जैसे हम न्यू क्लासिकल एज में कौन कौन से राइटर आएंगे, जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, तो ये सब राइटर है, ये सब राइटर हमें देखने को मिले इस एज में। तो इस एज में लार्जली सटायर जो था एज अ वेपन यूज हुआ था एक्सप्रेसिंग पोएट्री, तो पोएट्री को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्म ऑफ पोएट्री। और इस एज में बड़ा फीचर ये भी है कि क्लासिकल राइटर्स लाइक हॉरेस, रोमन राइटर्स और क्लासिकल में लेटिन राइटर को इन्होंने अडॉप्ट किया था, उनकी ही राइटिंग को इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिला इस एज में। इट इज द पार्ट ऑफ द एज ऑफ रिटन। अब ऐसा क्यों बोला है इसमें, इट इज द पार्ट ऑफ द एज ऑफ रिटन, इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने क्लास अपने जो भी वर्क्स लिखे हैं वो किस पे मॉडल है, इनके वर्क्स क्लासिकल राइटर, जैसे कि मैंने आपको बोला हॉरेस, हॉरेस की राइटिंग ज्यादातर अडॉप्ट की थी कौन से राइटर ने, उनका जो फॉर्म ऑफ राइटिंग है कपलेट, ही वॉज यूजिंग कपलेट, किससे इंस्पायर होके इन्होंने लिखा था, हॉरेस की। एलेक्जेंडर पोप की जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है रेप ऑफ लॉक, वो मॉडल हुआ है हॉरेस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और बाद में ये आपको याद रखना है कि ये जो पीरियड है नियो क्लासिकल या अगस्टिन एज आप बोलते हो, ये किस पे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुई है, क्लासिकल राइटर्स पे, तो इसलिए हम इसे एज ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। देन फिर उसके बाद क्या लिखा है, पोएट्री ऑफ हॉरेस एंड द सटायर ऑफ द जुविनल पोएट। तो ये भी याद रखना है कि जुविनल जो सटायर था, अगर आप सैमुअल जॉनसन की पोयम लंदन की बात करोगे तो वो कौन सी जुविनल सटायर से ली गई है, लंदन उनसे अडॉप्ट की है। तो जुविनल सटायर भी या जुविनल राइटिंग ऑफ पोयम भी बहुत ज्यादा अडॉप्ट की, जिससे क्या वो एक्सप्रेस करते थे, राइटिंग आर यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग बेसिकली टू मॉक ऑन द फॉलीज वाइज एंड प्री ऑक्यूपाइड नोशन ऑफ द डे। उस जमाने में जो एरिस्टोक्रेट, मिडिल क्लास और जो सोसाइटी में जो चेंज हो रहा था, वो चेंज अपने मॉकिंग स्टाइल ऑफ राइटिंग से दिखाना चाहते थे। हमें देखने को क्या मिला,
कि जो क्रिटिसिज्म है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था ऑफ द क्लासिकल कल्चर, और इस एज में क्लासिकल कल्चर का अडॉप्ट ज्यादा किया गया, और इस एज को इसलिए हम न्यू क्लासिकल, मतलब क्लासिकल एज को न्यू तरीके से शो की गई बाय राइटर्स लाइक जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट और फिर एलेक्जेंडर पोप, ऐसे राइटर्स से पुरानी एज को एक नए तरीके से शो किया गया। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट एज बन जाती है आफ्टर रिस्टोरेशन। फिर इसके बाद हमने क्या देखा है कि इसको हम अगस्टन पीरियड भी बोलते हैं, नियो क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। रिस्टोरेशन जो सटायर है वो टू टाइप्स के देखे गए इस एज में, रिस्टोरेशन सटायर। जैसे कि फर्स्ट काइंड ऑफ सटायर किसमें देखा गया, पोएट्री के फॉर्म में, और सेकेंड काइंड ऑफ सटायर कैसे देखा गया, प्रोज के फॉर्म में। तो पोएट्री के फॉर्म में जैसे कि अ सटायर अगेंस्ट मैनकाइंड, ये किसने लिखा है, ये रोचेस्टर ने लिखा है। प्रोज में जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल और यू कैन से अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ये दोनों एग्जाम्पल है प्रोज और पोएट्री के। तो ये क्या शो करते हैं, सोसाइटी के बारे में थ्रू अल्यूशन, अल्यूशन क्रिएट करके सोसाइटी के बारे में बताते हैं और सिचुएशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस एज में दो चीजों पर फोकस बहुत ज्यादा किया था, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो ये याद रखना है, दिस स्पेशली टारगेटेड सटायर फाउंड इन द पोएट्री ऑफ वन ऑफ द मेन लिटरेरी फिगर ऑफ अगस्टन एज। कौन से मेन लिटरेरी फिगर थे, जॉन ड्राइडन थे, नोटेबली इन हिज वर्क मैक फ्लेकनो। तो मैक फ्लेकनो में इनके वर्क में सटायर फाइंड किया गया, और इनके ही रिवाइवल हमने क्रोनोलॉजी देखी थी। तो क्रोनोलॉजी अब्बासलम आर्चिटोपल फर्स्ट पब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा वर्क पब्लिश होता है, मैक फ्लेकनो। तो मैक फ्लेकनो जो वर्क पब्लिश हो रहा है वो 1682 में हो रहा है, विच अटैक ऑन हिज लिटरेरी रिवाइवल। इनके ही कॉम्पिटिटर थे लिटरेरी रिवाइवल। हम इसकी पूरी समरी अलग से वीडियो में देखेंगे, बट अब हमारा टारगेट क्या है, इस बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निकालना और इस पॉइंट बुक से आप रिवीजन करना। अब देखो आप रिवीजन कैसे कर सकते हो, मैंने ट्रिक्स भी बताई थी। जैसे कि मैंने वर्क पढ़ा मैक फ्लेकनो, तो आपके जो नोट्स, मैं क्या करती थी, मेरे साइमल्टेनियसली नोट्स होते थे, उस थोड़ा यहाँ से पढ़ लेती थी कि क्या है रिवाइवल है, इस पोएट्री के बारे में ये है, एबेसलम आर्चिटोपल के बारे में ये है। तो वो जो मेरे नोट्स या तो बुक में कहीं लिखे हुए होते थे छोटे पॉइंट्स, या फिर विकिपीडिया के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग जो नोट्स होते थे वो मेरे कॉपी में होते थे, उससे मैं साइमल्टेनियसली रिवाइज करती थी। तो यू हैव टू डू थिंग्स, जो भी आपके फैक्ट्स होंगे मैं वो यहाँ पे लगा दूंगी, जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो इट इज अटैक ऑन लिटरेरी रिवाइवल, थॉमस शेडवेल पर अटैक करता है अपने ही लिटरेरी रिवाइवल को। शेडवेल को बहुत ज्यादा टारगेट किया था क्योंकि इनके ही लिटरेरी रिवाइवल थे। ही ऑल्सो टारगेटेड राइटर्स, जो हैक राइटर है, हैक राइटर क्या होते हैं, चीप राइटर होते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए वो राइटिंग करते हैं या फिर कमाने के लिए वो राइटिंग्स करते हैं। तो उनको क्रिटिसाइज किया था जॉन ड्राइडन ने। इनका जो नेक्स्ट वर्क है अबासोलम आर्चिटिपॉल, ये जो वर्क है ये 1681 में पब्लिश होता है, ये 1682 में पब्लिश हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। विच यूज एलेगरी, एलेगरी का मतलब क्या, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग, जैसे मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करना ह्यूमन फॉर्म में। तो एलेगरी रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ फंडामेंटल थिंग्स लाइक रिलीजन, पॉलिटिकल इश्यू, इश्यू विच वुड ओनली रिजॉल्व बाय ओवर थ्रू ऑफ कैथोलिक मोनार्क 1688। तो एबेसलम आर्चिटिपॉल में ये बेसिकली पॉलिटिक्स पे डिपेंड, पूरी जो पोएट्री है वो पॉलिटिक्स पे लिखी गई है। तो एजिंग पोएट फ्लेकनो, जिसका रेफरेंस क्या है, एज द रिचार्ड फ्लेकनो, ये किसके बारे में आ गया है, ये फ्लेकनो के बारे में आ गया, एज अ माइनर पोएट हु डाइड इन 1678। तो उससे अपना सक्सेसर चाहिए, किसको, मैक फ्लेकनो, अपना ही सक्सेसर चाहिए। तो ड्राइडन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक फ्लेकनो है वो सूटेबल थे एज अ किंगडम, एज अ राइटर, एज अ राइटर ऑफ अ हैक राइटर के उसमें सूटेबल थे। तो उनकी ही उनको परछाई देखनी है रिचार्ड फ्लेकनो को। तो उनकी परछाई उन्होंने क्या चूज की थी, शेडवेल, शेडवेल मतलब थॉमस शेडवेल, बिकॉज ही अंदर वो डलनेस है जो रिचार्ड फ्लेकनो के अंदर है वो शेडवेल के अंदर भी है, उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये लाइंस हम पढ़ेंगे, शेडवेल अलोन माय परफेक्ट इमेज बियर।
मैच्योर इन डलनेस। तो इन लाइन से पता चलेगा क्यों वो इसे चूज कर रहा है थॉमस शेडवेल को, क्योंकि उसके अंदर डलनेस है। शेडवेल अलोन ऑफ माई ऑल सन इज ही हु स्टैंड कन्फर्म इन द फुल स्टूपिडिटी। दूसरा पॉइंट क्या उसके अंदर फीचर है, स्टूपिडिटी है। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस बट द शेडवेल नेवर डेविएट इनटू सेंस। पर शेडवेल के पास क्या है, सेंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो यहाँ पे फुल मॉकिंग टोन में कमियां निकालते हुए ड्राइडन ने ऐसा बोला है कि रिचार्ड को रिप्लेस करने वाला एक ही बंदा है, वो है थॉमस शेडवेल। फिर अगर हम आर्चिटिपॉल और अबसलम के ऊपर आए, क्योंकि इसका जो सबटाइट इसका जो टाइटल है वो किसे इल्यूड करता है, अगर आपने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा है ढंग से तो अमेरिकन लिटरेचर की नॉवल है एबेसिलम एबेसोलम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है अमेरिकन लिटरेचर की, उसके टाइटल को अल्यूड करा है। तो मैं इस तरीके से पढ़ती थी क्योंकि मुझे पता है कि कौन से राइटर्स इम्पोर्टेंट है कौन से राइटर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई है वर्क एबेसिलम एबेसोलम, तो वो वर्क भी मैं साइमल्टेनियसली पढ़ लेती थी। एबेसोलम आर्चिटिपॉल बेसिकली, तो इस वर्क में हमें ये देखने को मिलता है कि जो राइटर है, राइटर कन्वे कर रहे हैं आइडिया अबाउट द इन हीरोइक कपलेट। ये सटायरिकल पोएम है, किसमें लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। किसके बारे में लिखी गई है, पॉपिश प्लॉट के बारे में लिखी गई है। और किसको टारगेट यहाँ पे किया गया है, चार्ल्स सेकंड को, जो पॉपिश प्लॉट जिनके खिलाफ हुआ था चार्ल्स सेकंड, वो किंग डेविड एज रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस वजह से ये जो दो तीन चीजें फैक्ट्स है वो प्रेजेंट किया गया है इस पोएम में किंग्स चार्ल्स सेकंड। तो पूरी जो समरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट हमें जो की पॉइंट्स यहाँ से ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पॉपिश प्लॉट और कौन से प्लॉट, एक्सकर्शन क्राइसिस के बारे में लिखा है, ये मेरे अपने नोट्स में लिखा गया है। तो ये आप अंडरलाइन कर लो या फिर अपने ही नोट्स में की पॉइंट लिख लीजिए। तो ठीक है, जो यहाँ पे किंग चार्ल्स जो सेकंड है उनके बारे में हमने देखा, ये जो है ये रिबेलिशन दिखाता है, रिबेलिशन हमें शो किया है ऑफ द टाइम ओन टाइम, किसके टाइम पे, ड्राइडन के टाइम पे। एंड द क्राउड प्लीजिंग कैन बी सीन इन द पॉलिटिशियन इन द एज एंड नेशन। तो अब हम लाइंस पढ़ेंगे, लाइंस बिल्कुल छोड़ना क्योंकि लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन से डायरेक्टली अगर आपके ऐसे क्वेश्चन, पोएम की लाइंस आ जाएगी, पैसेज आ जाते हैं कई बार कि इस प्रेस पैसेज को, तो वो कैसे पहचान लोगे, वो लाइन से आप आसानी से पहचान जाते हो। ओ हैज बीन कॉन्टेड टू सर्व द क्राउन, क्राउन कौन है यहाँ पे, चार्ल्स सेकेंड, विद अ वर्च्यू ओनली प्रॉपर ग्रोन, डेविड फॉर हिम हिज ट्यूनफुल हार्प हैड संग। देखो हार्प यहाँ पे क्या है, मेटाफोरिकल है, हार्प का मतलब क्या है, मेटाफोरिकली यूज किया है। एंड द हेवन हैड वांटेड वन इमॉर्टल सॉन्ग। तो यहाँ पे जो किंग डेविड है वो अपने हार्प से, वो अपने वर्क से यहाँ पे जो भी यहाँ पे हार्प के थ्रू यूज करेंगे अपनी बात को कहने तक, और वो जो बात है वो हेवन तक जाएगी, ठीक है, थ्रू एज वन ऑफ द इमॉर्टल सॉन्ग। तो यहाँ पे ये चीज आपको मेटाफोरिकली देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पे क्या कहा है, बट एम्बिशन लव्स टू स्लाइड नॉट स्टैंड, एंड द फॉर्च्यून आईज प्रिफर टू वर्च्यू लैंड, एचिट ऑफ ऑल ग्रोन वियरी टू पॉजेस लॉफुल फेम, लेजी हैप्पीनेस डिस्टेंट गोल्डन फ्रूट टू गैदर फ्री, एंड द लैंड क्राउन हिज आर्म टू शेक द ट्री। तो यहाँ पे ट्री का मतलब क्या है, गोल्डन फ्रूट मतलब जो आज वो कर रहे हैं उसका आपको फ्रूट बाद में देखने को मिलेगा, डिस्ट्रेन फ्रूट। एंड द क्राउड, क्राउड मतलब उनके साथ जो फालतू के लोग हैं वो क्या करेंगे, उनका ही किंगडम को शेक करेंगे बाद में। तो ये ड्राइडन एज अ क्या कर रहे हैं, उनको एज अ टारगेट करके, अवेक करके, या फिर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करके बोल रहे हैं। तो 1682 में पब्लिश हुआ है मेडल, इनकी पोयम है, और 1682 में फॉलो, देखो 1682 में इनके बहुत सारे वर्क पब्लिश हुए हैं। 1682 में मैकफैकनो भी पब्लिश हुआ है, 1682 में एबेसिलम एचिटिपॉ भी पब्लिश हुआ है, मेडल भी पब्लिश हुआ है। तो अब हम मेडल को देखते हैं, एक्चुअली इसका जो है बहुत ही कम आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये क्या प्रिडिक्ट करती है, अबाउट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अपहेवल, दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सटायर। तो ये किस पे लिखा गया है, मेडल क्या है, पॉलिटिकल सटायर है, ये याद रखो, इट इज अ पॉलिटिकल सटायर।
इन द हैंड लेटर राइटर ऑफ द नॉवल लाइक पॉलिटिकल सटायर की जो नॉवल से वो कौन से राइटर, अब ये यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन आता है हु रोट पॉलिटिकल सटायरिकल नॉवल, मैनली हेनरी फील्डिंग स्टार्टेड राइटिंग पॉलिटिकल सटायर नॉवल्स बिकम लेस एंड लेस एक्सेप्टेबल टू द पीपल हु वर इट्स विक्टिम, क्योंकि पॉलिटिकल सटायर में अगर वे ऑफ द वर्ल्ड देखो, वाहगम का देखो, क्योंकि वो उस समय बैन किया गए थे वर्क्स उनके, सेंसरशिप के अकॉर्डिंग उनके वर्क्स बैन किए गए थे। अगर आप वो चीजें देखो तो पॉलिटिकल सटायर नॉवल जो राइटिंग थी वो कम ट्रेंड में आ चुकी थी, जैसे हमारे कपड़े ट्रेंड्स में आते हैं हम पहनते हैं, फैशन ट्रेंड्स में आता है, तो उस जमाने में जो राइटिंग स्टाइल थी वो भी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चल रही थी। तो पॉलिटिकल सटायर राइटिंग ऑफ नॉवल्स ट्रेंड में नहीं थी, जबकि सबसे ज्यादा नॉवल में क्या था उस वक्त ट्रेंड में, क्या था, पॉलिटिकल सटायरिकल पोएम्स। तो इस वजह से एलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन ज्यादा फेमस हुए, और ये सब क्या क्या रीजन था नहीं फेमस होने का, पॉलिटिकल इस ये रीजन था कि सेंसरशिप ऑफ थिएटर आया था, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे राइटिंग ऑफ किस किस की राइटिंग, एलेक्जेंडर पोप की और ड्राइडन की मेन फिगर है, इसकी भी क्रोनोलॉजी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, प्लीज राइटर की क्रोनोलॉजी भी कर लेना कि इस एज में कौन से राइटर पहले आएंगे कौन से राइटर लेट आएंगे। 1668 में ड्राइडन को पोएट लेटरशिप मिली थी, और इनको वॉटला स्कॉट ने इनको ग्लोरियस जॉन का टाइटल भी दिया है, तो ये याद रखना, ही गिवन अ टाइटल ऑफ ग्लोरियस जॉन उनको, वॉटला स्कॉट ने। ड्राइडन वाज हाईली प्रोफेलिक लिटरेरी फिगर, प्रोफेशनल राइटर एज द सेंटर ग्रेटेस्ट डिबेट ऑफ द टाइम एंड ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड, कौन सा है कमेंट करो, या फिर मैं ही बता देती हूँ, प्योरिटन एज को हम कॉमनवेल्थ पीरियड या इंट्रीगम पीरियड भी बोलते हैं। रिटर्न ऑफ मोनार्क पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अपहेवल कैन बी सीन इन 1680। सो ये वाली जो लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि ये जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी लाइन आपको याद रखनी है, वो ये है कि पोएट लेटरेट इनको बनाया गया था फ्रॉम 1668, और इनको हटाया गया फ्रॉम द पोजीशन 1688 में, क्योंकि उस वक्त ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था बाय जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड जैसे ही आए, ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया, ड्राइडन हट गए थे। और फिर इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि जो जॉन ड्राइडन है बिकम कैथोलिक, और कैथोलिक का वर्क इन्फ्लुएंस हमें दिखाई दिया था, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कौन से एलेगोरिकल वर्क में, हिंद और पैंथर में। हिंद और पैंथर में आप ये देखोगे कि जब रिलीजन चेंज किया था ड्राइडन ने, तो उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन ऑफ चेंजिंग एज अ रिलीजन उन्होंने किस में दिया है, इस वर्क में दिया, ये पब्लिश हुआ है 1687 में। बेसिकली इश्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शो किया गया है हिंद और पैंथर में। इन एन अटेम्प्ट टू रिकंसिल अपोजिट फिक्शन, उन्होंने क्या किया है, दो अपोजिट रिलेशन रिलीजन को एक करने की कोशिश की है, अपोज को एक रिकंसाइल करने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे रिकंसाइल बिटरली अपोज फ्रैक्शंस को एक करने की कोशिश की है। दिस कंटेन वेल नोन एंटिसिपेटेड लाइन, इस वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो यही चीज किसी और बुक में नहीं मिलेगी, कनेक्टिविटी, या फिर ऐसा यूजीसी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, फिर पूछते हैं बच्चे मैम ये कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे राइटर हैं नियो क्लासिकल राइटर जिसके वर्क्स में, जिनके वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन ली गई है, ये वाली लाइन कौन से राइटर के वर्क में मिलती है। तो जैसे कि हिंद द पैंथर में हमें कौन सी लाइन मिल रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन मिल रही है। ये वाली लाइन देखिए आप, बाय एजुकेशन मोस्ट हैज बीन मिसलीड एंड दिस दस चाइल्ड अपोज ऑन द मैन, तो ये लाइन जो है ये इसमें शो की गई है, पोयम शो अवेयरनेस एंड चेंज। तो पोयम क्या शो करती है, कौन सी पोयम, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो पोयम शो करती है अवेयरनेस एंड चेंज एज द ग्रो ओल्डर, जैसे ही इंसान ज्यादा बड़ा होता है वैसे वैसे इंसान को क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है और सीखने को ज्यादा मिलता है। तो ये वाली लाइन लिखी गई है, देखिए, माय माय थॉट्स यूथ वॉज विंग्ड विद अ वेन डिजायर, माई मैनहुड लॉन्ग मिसलीड बाय वॉन्डरिंग फायर।
फॉलो फॉल्स लाइट्स, तो ये लाइन है किस किसको अल्यूड करती है, विलियम वर्ड्सवर्थ को अल्यूड करती है, तो ये याद रखना। और ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइडन के, इसमें डायरेक्ट आ सकती है। आफ्टर 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद जेम्स 2 आने के बाद क्या हुआ था, ड्राइडन रिटर्न टू थिएटर, थिएटर राइटिंग पे रिटर्न किया। थिएटर का मतलब क्या है, ड्रामा लिखना स्टार्ट किया जॉन ड्राइडन ने। तो ड्रामेटिकल वर्क्स लाइक इनका एलेक्जेंडर फीस था, सेक्युलमस, मेन अचीवमेंट लेटर पास डोमिनेंट इनके वर्ड्स में लिखे, जबकि इनके ड्रामा इतने फेमस नहीं है, पोएट्री ज्यादा फेमस है। तो हम एलेक्जेंडर फीस की बात करें तो एलेक्जेंडर फीस कैसे स्टार्ट होती है, चौरस के साथ स्टार्ट होती है। तो चौरस, अगर चौरस क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ, एक चौरस एक फॉर्म ऑफ सॉन्ग है, क्रिश्चियन सॉन्ग भी बोल सकते हैं, उस फॉर्म में स्टार्ट हुआ है। बैकस, बैकस कौन है, गॉड ऑफ वाइन। तो ये चीजें याद रखनी है, मिथोलॉजिकल फिगर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बैकस की ब्लेसिंग। आर्ट प्रेशर ड्रिंकिंग, अब देखो क्यों लिखा हुआ, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से गॉड है, तो बैकस इज द गॉड ऑफ वाइन, मैथोलॉजिकल ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से। ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, रिच प्लेजर, स्वीट प्लेजर, स्वीट इज द प्लेजर आफ्टर पेन, स्मूथ विद द साउंड ऑफ द किंग ग्रू वेन, fought all his battle over again, and thrice he routed his foe, and thrice he slew his the same। तो ये लाइन एलेक्जेंडर फीस्ट की है, स्टार्टिंग ऑफ लाइन ही है ये। अब देखो दोनों में कंपैरिजन, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज क्या है, बहुत अच्छी चीज ये है, यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखो आप, यू कैन सी प्लेजर प्लेजर, फिर वापिस ट्रेजर आ गया, फिर वापिस प्लेजर आ गया, तो राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है। एक ओड के फॉर्म में लिखी गई है, राइम के फॉर्म में लिखी गई है। अगर हम सेक्युलर मस्क देखेंगे तो वो किस फॉर्म में लिखा गया है, देखो, ऑल ऑल ऑफ अ पीस थ्रू आउट दाई चेज हैड बीस्ट इन व्यू, दाई वॉर ब्रॉट नथिंग अबाउट। तो इसकी कोई राइमिंग, थ्रू आउट फिर उसके बाद में अबाउट फिर उसके बाद में ट्रू, किससे मिल रहा है ट्रू, किससे मिल रहा है व्यू से मिल रहा है। तो इसकी राइमिंग स्कीम अलग है, इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, और ऊपर वाले की राइमिंग स्कीम क्या थी, ए ए बी बी। तो इस तरीके से आपकी राइमिंग स्कीम आप पकड़ सकते हो यहाँ पे, वो ओड की फॉर्म है। ओड की राइमिंग स्कीम क्या होती है नहीं पता, तो ओड की राइमिंग स्कीम है फोर राइमिंग लाइन्स में होती है, ए ए बी बी। तो इससे आप पकड़ सकते हो कि एलेक्जेंडर फीस किसमें लिखी गई है, ओड के फॉर्म में। अगर मैं वापस इस चीज को रिपीट कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, कैसे पता चलता है ओड के फॉर्म में लिखा गया है, जब भी आप देखोगे इसको, व्हेन यू विल सी इस लाइन को देखोगे, प्लेजर फिर क्या लिखा हुआ है, ट्रेजर फिर क्या लिखा हुआ है, प्लेजर, ठीक है। तो ये जो राइमिंग स्कीम है वो क्या शो कर रही है, ओड के बारे में, कि ये ओड के फॉर्म में लिखा गया है। और ओड किस फॉर्म में लिखा गया होता है, तो ओड एक्चुअली क्या बताता है, ए ए बी बी। तो इससे हमें पता चलता है कि एक राइमिंग स्कीम है। तो हमें सेक्युलर मस्क के अलावा हमें क्या, ड्राइडन एज ए इनोवेटर एंड मूव फ्रॉम हीरोइक कपले टू ब्लैंक वर्ड्स। तो इनकी बहुत अच्छी खास चीज क्या थी कि इन्होंने मूव किया कहाँ से, हीरोइक कपलेट से कहाँ पे गए, वो ब्लैंक वर्ड्स की तरफ गए ड्रामा में। एट द सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट ऑफ अगस्टियन पीरियड ही एक्सपेरिमेंटेड, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ही एक्सपेरिमेंटेड विद द वर्ड्स फॉर्म, उन्होंने एक वर्ड्स फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया थ्रू हिज राइटिंग, अंटिल द वर्क फेबल एशियंट एंड द मॉडर्न राइटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, फेबल एशियंट एंड मॉडर्न, ये पब्लिश हुआ है अराउंड 1700 में। इसके की पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और आई एम टेलिंग यू द की पॉइंट्स अबाउट द वर्क। ये जो वर्क है वो एक कलेक्शन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द क्लासिकल एंड द मेडिवल पोएट्री बाय जॉन ड्राइडन, पब्लिश अराउंड मार्च 1700। इट वॉज हिज लास्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन। अब इसमें जो जो तीन राइटर है, मेन तीन राइटर, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसलेशन है क्लासिकल का, तो इसके जो फर्स्ट राइटर है जिसका ट्रांसलेशन है वो है होमर की इलियाड, सेकंड ट्रांसलेशन है 8 सेक्शन को ट्रांसलेट किया था ओविड के मेटाफोर्सेस,
फिर जो थर्ड ट्रांसलेशन है जियोफरी चौसर की कैंटरबरी टेल, तो ये तीन ट्रांसलेशन जरूर से याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, हु क्रिटिकल ट्रांसलेशन एंड द ओरिजिनल वर्क फिटिंग कंक्लूजन टू द वेरिट, द टर्म हीरोइक, इनका जो टर्म है हीरोइक, ही वॉज सीन अप्लाई टू द ग्रेट ट्रेजिडी इन द रिस्टोरेशन एज अ सटायर लॉस्ट वेनम हीरोइक कपलेट अडॉप्टेड टू द जेंटल ह्यूमरस टोन। तो इन्होंने जो हीरोइक कपलेट यूज किया था टोन के लिए यूज किया था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो टर्म अप्लाइड है वो अपने पोएट्री में यूज करते हैं हीरोइक कपलेट, वो टारगेट करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि उनको जो टारगेट किया था उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट की थी उस वैल्यू में, तो इसलिए उन्होंने हीरोइक कपलेट यूज किए थे। इन एंड ऑल अगर हम देखें, इन एंड ऑल द आर्ट ऑफ द एज देयर इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस स्केलिंग डाउन रेफरेंस व्हिच लीड पैरोडी टू सटायर एंड सेल्फ रेफरेंशियल लिटरेचर देन द रेनेसा प्रोड्यूस, जैसे कि मैथ्यू फेरार एंड सैमुअल बटलर। तो इनकी राइटिंग भी इस दौरान बहुत सक्सेसफुल थी, इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि बटलर की जो राइटिंग है, यहाँ पे अगर मैं सैमुअल बटलर की बात करूँ, ही रोट लॉन्ग सटायरिकल पोएम हुडी ब्रास। तो हुडी ब्रास इन्होंने जो वर्क लिखी है वो डॉन क्यूजिटो पे क्या हुई है, मॉडल है, डॉन क्यूजिटो पे मॉडल है, और ये पब्लिश हुई है तीन पार्ट्स में 1663 से लेकर 1680 तक। और सैमुअल बटलर की जो हुडी ब्रास है उन्होंने, ये क्लासिकल मॉडल है कार्वेंटेस की वर्क के ऊपर। फिर इसके बाद हम ये किस फॉर्म में लिखे, ये यूजीसी नेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, किस फॉर्म में लिखी गई है, ऑक्टा सेलेबिक फॉर्म में लिखी गई है ये वर्क, ऑक्टा सेलेबिक कपलेट में लिखा गया है। इसके अंदर क्या है, डिजर्शन है, क्योंकि डिजर्शन नॉवल में भी यूज किया था आफ्टर इसके बाद, तो ये याद रखना है किस फॉर्म में लिखा गया है, मॉक रोमांस की फॉर्म में लिखा गया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन इन द फॉर्म ऑफ मॉक रोमांस। कि इसका जो फाइनल पार्ट है लीडिंग वो किसके बारे में लिखा है, जो टोन है इसकी आपको किससे में पता चलेगी, ये जो फर्स्ट लाइन से पता चलेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्या है, ओपनिंग लाइन है, पहले ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। व्हेन द सिविल डंगन फर्स्ट हाय मैन फेल आउट दे न्यू नॉट व्हाई, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, टारगेट कर रहे हैं कि क्यों इंसान इस तरीके से हो गया है। अब हम मैथ्यू फेरर की बात करें, हमने जॉन ड्राइडन देखा, सैमुअल बटलर देखा, हुडी ब्रास, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैथ्यू पेरर। मैथ्यू पेरर जो है ओकेशनल वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, इनका जो फॉर्म है ओकेशनल वर्ड्स उनके लिए जाने जाते हैं। ही फर्स्ट मेजर वर्क उनका क्या है, सटायर लिखा था, किसके जवाब, किसको जवाब देने के लिए, हिंद और पैंथर को जवाब देने के लिए। देन ही रोट अ वर्क ऑन सीन ऑन द ट्रीटी ऑफ उटरेज, इसकी इम्पोर्टेंट जो चीज हम देखें मैथ्यू पेरर की, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि इनका ओड क्या नाम है, उसकी ओड का इन्होंने लिखा था 1700 में, ऑन द सेलिब्रेटिंग अराइवल ऑफ विलियम थर्ड कार्मेन सेक्यूलर, पब्लिश ड्यूरिंग 1700, फेबल्स पब्लिश हुआ था 1700 में, मैथ्यू पेरार का वर्क पब्लिश हुआ था कार्मेन सेक्यूलर 1700 में, एंड्रयू मार्वेल का होरिशियन ओड अपॉन द क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। तो ये याद रखना, ये किसको सेलिब्रेट करते हैं, अराइवल ऑफ क्रॉमवेल फ्रॉम द आयरलैंड से। तो ये जो वर्क से वो को कनेक्टिविटी है, कल हम इसका डिटेल वीडियो देखेंगे, कुछ दूसरे राइटर्स को देखेंगे। यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने राइटर्स कर लिए हैं, डू रीड दिस, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पर आप जब बुक रीड करते हो तो इसकी एक एक लाइन को रीड करो, यू विल गेन क्यूरियोसिटी और आपके ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल देन सब्सक्राइब, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग बट जस्ट अ मोटिवेशन, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। आई विल बी ट्राई टू बी मोर कंटिन्यूस और वीडियो लेकर आऊंगी, कल अगर कल या फिर परसों, अब मैं कोशिश करूँ कि हम एलेक्जेंडर पोप करेंगे,
फिर उसके बाद दूसरे राइटर करेंगे, क्योंकि हमें कौन सी एज पूरी करनी है, नियो क्लासिकल अगस्टन एज पूरी करनी है, फिर उसके बाद हम जंप करेंगे रोमेंटिक एज के ऊपर. सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.